क्रिप्टो करेंसी को अगर समराइज किया जाए तो 5 ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जिनके आंसर अगर आपको मिल जाएं तो आप क्रिप्टो करेंसी से अभी और इसी वक्त पोटेंशियली पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको उन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं, वो भी ब्रांड न्यू इंफॉर्मेशन की बेस पे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री इंफॉर्मेशन से, देन स्टिक टू दिस वीडियो अंटिल द एंड। बिहाइंड द बिटकॉइन, द टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ रियली वेरी पावरफुल। यूजिंग ब्लॉकचेन वी कैन डिलीवर अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी, ट्रस्ट, ऑटोमेशन and efficiency to almost any type of transaction. सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। नंबर वन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क्स। क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये काम कैसे करती है? दोस्तों, पुराने जमाने की अगर बात करें तो जैसे गोल्ड होता था, उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते थे? एक तो पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे, सेकेंडली उसका जो मेन रीजन था वो ये था लेन देन, स्टोर ऑफ वैल्यू। हमारे पास गोल्ड है तो हमें पता है कि ये गोल्ड हमारे मुतबादल है सर्टेन प्राइस के, मैं जाऊँगा तो मैं इसको दे के कुछ भी खरीद सकता हूँ। और गोल्ड क्यों ये अपना मकाम बना पाया? क्योंकि गोल्ड यूनिक था और उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता था और उसकी क्वालिटीज आला थी, उसको कोई नहीं बना सकता था। इसी तरह जैसे वो पुराना एनालॉग दौर था, डिजिटल टाइम में हम जैसे लेन देन करते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर्स के ऊपर, हम फूड तक ऑनलाइन बाय करते हैं, इस ज़माने में डिजिटल करेंसी बन गई। पहले बैंक्स के कंट्रोल में थी, बैंक हमारे मोबाइल ऐप में जितने भी नंबर डाल देते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, और बैंक करने क्या लगे, टाइम टू टाइम बैंक्स ने क्या किया कि बैंक जो है ना नंबर जनरेट करने लगे कंप्यूटर के ऊपर। उससे क्या हुआ, मार्केट में पैसा ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि बैंक के पास पूरा कंट्रोल आ गया। बैंक क्या करते थे, उनके पास 1 लाख पड़ा तो उसको 10 लाख करें कंप्यूटर क्लिक से, उनका क्या जाता है, वो लेंडिंग करके उससे इंटरेस्ट कमाते थे। और मार्केट में जब पैसे की फ्लडिंग ज़्यादा होती थी तो मसला होना शुरू हो गया, इन्फ्लेशन होने शुरू हो गई, महंगाई का हाल देख सकते हैं क्या हुआ। उस टाइम में क्रिप्टो करेंसी आई, 2009 में इसकी शुरुआत हुई। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में है क्या? सबसे पहली तो इसकी यूनिकनेस ये बता दूँ, बिटकॉइन जिसको हम जानते हैं ये एक कोड है, कंप्यूटर कोड है, जिसको कंप्यूटर के ऊपर जो है ना ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मैं आपको भेज सकता हूँ, आप मुझे भेज सकते हैं। और वो भेजने का जरिया क्या है, वो है ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो नेटवर्क पहले जो बैंक्स का भी एक ऐप होता है उसका भी एक नेटवर्क है, इसी तरह से जो है बिटकॉइन का भी एक नेटवर्क है, उसके ऊपर इसको ट्रांजैक्ट किया जाता है। सेकंड इसकी जो है क्वालिटी है या इसकी स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इसको रेप्लिकेट, इसको फेक तरीके से नहीं बनाया जा सकता, इसको फेक नहीं किया जा सकता जैसे कि गोल्ड को नहीं किया जा सकता। और नंबर 3 के ऊपर ये है कि जितने ये एग्जिस्ट करते हैं ना उतने 21 मिलियन से ज़्यादा एग्जिस्ट लाइफ टाइम में नहीं करेंगे, इसके बाद कोई बिटकॉइन नहीं आने वाला। एंड देन इसको हैक कोई नहीं कर सकता, हैक करके ये नहीं है कि बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक कर ले उसमें से सारे चुरा लें, नो इट्स नॉट पॉसिबल। और ये बनाया कैसे जाता है, ये बिटकॉइन का जो नेटवर्क है जिसको मैंने आपको ब्लॉकचेन बताई है, वो ऑटोनमस कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, उसको कोई बैंक कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, वो कंप्यूटर कंट्रोल कर रहे हैं जो कि इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो होता क्या है कि मैंने, आपने, हमने सारों ने मिलकर कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के ऊपर काम करने के ऊपर लगाया, तो नेटवर्क के ऊपर जब नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर काम कर रहे हैं, तो जितनी एफर्ट हमारे कंप्यूटर्स कर रहे हैं, जितनी की काबिलियत है, उसकी बेस के ऊपर वो जो नेटवर्क है वो उनको रिवॉर्ड देता है बिटकॉइन की शेप में। और ये क्या था, ये पूरा मैकेनिज्म था रिवॉर्ड करने का, नेटवर्क को सिक्योर करने का, ताकि लोगों को पेमेंट कैसे होगी, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया सतोशी नाकामोटो ने, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़बरदस्त हुई, वो है ये है कि कंट्रोल बैंक से निकल के कंप्यूटर्स के पास आ गए, क्योंकि कंप्यूटर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, रूल्स उसके ऊपर सेट है तो वो रूल को फॉलो करेंगे, ये नहीं करेंगे कि 10 लाख जो है ना हर रोज जो है ना बिटकॉइन बना के लोगों में दे दें और उससे इंटरेस्ट कमाएं, नो नो नो। तो दोस्तों, ये थी क्रिप्टो करेंसी, और ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी वजूद में आई और ऐसे ही काम करती है। चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन के ऊपर।
नंबर सेकंड पे जो क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना सेफ है, लीगल है, स्पेशली पाकिस्तान में या इंडिया में? दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक तो ये स्पेकुलेशन थी, आपके अंकल चाचा मामा यही कहते थे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करो, ये तो स्कैम है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे जो है ना डूब जाएंगे, ये ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। हाँ, प्रिकॉशंस अभी भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो है ना डंप भी हो जाती हैं, फेक जो है ना वो भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन बिटकॉइन स्पेसिफिकली अगर आपको रिसेंटली पता है तो बिटकॉइन जो है ना ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का जो है अवार्ड ले चुका है। अब ये गोल्ड सिल्वर की तरह स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, US स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है। मतलब ये है कि इसको भी सेम वो मिल गई है, हैसियत मिल गई है जो गोल्ड और सिल्वर की थी। तो क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ स्कैम एनीमोर। हाँ, क्रिप्टो करेंसी में कुछ ऐसी थर्ड पार्टी क्रिप्टो करेंसी कोई बना दे, मतलब गोल्ड की तरह कोई कहे कि आपको मैंने एक नई धात बनाई है, लोहे को आपको गोल्ड करके बेचते, तो वो फिर आपकी डिलीजेंस के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है कि आपकी डिलीजेंस क्या है। क्रिप्टो करेंसी नो मोर स्कैम। और पाकिस्तान में सेफ है या नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा भी है और ये आपका बहुत अच्छा और राइट क्वेश्चन है। पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं पाकिस्तान इंडिया में, हमारे पास एक्सचेंजेस प्रॉपर नहीं होती, हमारे पास पेमेंट सिस्टम का इश्यूज होते हैं, विच इज़ रियल, दीज आर रियल इश्यूज। अभी पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन जो है ना लिस्ट नहीं हुआ, वी नो इट, लेकिन ये चीज़ आपको पीछे नहीं रखना चाहिए, आपको पीछे नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये वो टाइम है अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने का। तो दोस्तों अभी तक पाकिस्तान और इंडिया में ये चाहे लेजिटिमाइज ना हुए हों, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से पीछे रहना इस डर से कि ये सेफ नहीं है या सिक्योर नहीं है, तो जो है ना ये एक गलती होगी। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी व्हाइल आई एम लिविंग इन पाकिस्तान और इंडिया। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, यहाँ क्रिप्टो करेंसी जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल करेंसी है, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के ऊपर काम करती है, तो इसकी कोई आपको फिजिकल एक्सचेंज या शॉप नहीं मिलेगी। आपने नॉर्मल करेंसी जब लेनी होती है, डॉलर या पाउंड लेने होते हैं या दिनार लेने होते हैं या दिरहम लेने होते हैं, तो कहाँ जाते हैं आप, एक्सचेंज पे जाते हैं और एक्सचेंजेस फिजिकली अवेलेबल होती हैं, शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप करेंसी लेने जाते हैं। इसी तरह इसकी भी डिजिटल एक्सचेंजेस होती हैं, इसकी भी डिजिटल शॉप्स होती हैं क्रिप्टो करेंसी की। वो शॉप्स कहाँ पे मिलती हैं, ऑनलाइन आपने सर्च करना है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन पाकिस्तान, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन इंडिया, वेरी सिंपल है, आपके पास कई लिस्ट आ जाएंगी। अभी आपको बता दूं कि पाकिस्तान से अगर हैं तो बायबिट इस्तेमाल कीजिए, बायनांस को छोड़िए फिलहाल के लिए, बायबिट को इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बायनांस में आपको काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन बायबिट पाकिस्तान के लिए परफेक्ट है। और अगर आप इंडिया से हैं, वजीर एक्स या कॉइन डी एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपने सुना होगा कॉइन मामा या क्रैकिन, ये वेबसाइट्स जो एक्सचेंजेस हैं ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन बायबिट आप रिकमेंडेड क्योंकि आप ट्रेडिंग भी करना चाहेंगे, बाइंग सेलिंग भी करना चाहेंगे, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया कि मैंने इसमें इन्वेस्ट कैसे करूं। इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने एक्सचेंजेस पे जाना है, उसके ऊपर जाके अकाउंट रजिस्टर करना है, बायबिट पे चले जाएं, ये मैं बायबिट दिखा रहा हूं आपको, बायबिट पे चले जाएं, आप चले जाएं वजीर एक्स पे चले जाएं, आप चले जाएं कॉइन मामा, क्रैकिन, भरी पड़ी एक्सचेंजेस, बहुत ईजी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू एक्सचेंजेस आप लॉन्च होती हैं, वो क्या होता है आपको फ़ी चार्ज बता रहे थे, कम फीस है वगैरह वगैरह, याड़ा याड़ा, उनसे आपने ध्यान में रखना है कि रेप्यूटेबल एक्सचेंज के ऊपर जाना है, अरे गैरी पे नहीं चला जाना। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना आसान हो गया। नंबर चार पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मेरे पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए इससे पहले कि मैं क्रिप्टो करेंसी में जंप करूं। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप $100 भी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी में जंप कर दें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी गेम है मल्टीप्लिकेशन की, एक्सिस की, मतलब कि 1x, 2x, 10x, 100x। क्रिप्टो करेंसी में होता है क्या है कि आपकी मनी डबल, 2x, 10 टाइम्स, 10x, 20 टाइम, 20x होती है। इसमें ये नहीं होता कि जो है ना 5%, 2%, 3%, तो क्या आप सोचेंगे मैंने $100 इन्वेस्ट किया तो $2-3 मुझे मिलेंगे साल में, नो इट्स नॉट लाइक दैट। क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा जो है ना हिस्ट्री में ग्रो हुई है, आप अगर बिटकॉइन को देखें तो ओवर द ईयर्स 100%, 200%, अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो को अगर आपने राइट वे से मैनेज किया हुआ है,
डाइवर्सिफाई किया हुआ है तो पोटेंशियली एवरी ईयर ऑलमोस्ट 100% ग्रो कर जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के पोर्टफोलियो, वाइल जो अपने स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं 20% टू द मैक्स, 15% जो है ना ऑन एवरेज 14-15% मैनेज करना उनकी ग्रोथ, विच इज़ हाईली इम्पॉसिबल और बहुत ही क्लासी होती है कि 14-15% आप उन्होंने ग्रोथ मैनेज किया, वाइल इन क्रिप्टो करेंसी इज़ ऑलवेज हाई। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाली बात खत्म हो गई कि अगर आप कहते हैं कि मैं $100 अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं क्रिप्टो करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करूँ, ये तो बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। नो, दिस इन आप ये एक्सक्यूज छोड़ सकते हैं, $100 से इन्वेस्ट करें, $200 से इन्वेस्ट करें, 1000 से डिपेंडिंग, कोई मसला नहीं। फीस के बारे में आपने याद रखना है कि इसमें फी चार्ज होती हैं जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं या विड्रॉ करते हैं। जब आप कॉइन बाय कर रहे होते हैं तो देर इज सर्टेन गैस प्राइस या सर्टेन जिसको हम जो है ना फी कह सकते हैं नेटवर्क की फी, जब आप बाइंग कर रहे होते हैं तो एक्सचेंजेस आपको चार्ज करती हैं। अगर आप सिर्फ बाय करके उसको सेल करेंगे, बाय सेल करेंगे तो क्या करेंगे, मनी लूज करेंगे क्योंकि फीस कटेंगी। तो आपने क्या करना है, अपने फीस को माइंड में रखना है। किसी भी आप एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे फी का सेक्शन होता है, वहाँ पे बताया जाता है कि पोटेंशियली कितनी फी चार्ज होंगी आपको। नंबर 5 के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हाउ आई कैन विदड्रॉ मनी इन माई बैंक अकाउंट। देखो, मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसा कैसे लाऊंगा? वेरी लेजिट क्वेश्चन, नथिंग टू वरी अबाउट। पाकिस्तान में है या इंडिया में है, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर P2P ट्रेड। उसमें क्या होता है, P2P ट्रेड की मैंने एक वीडियो बनाई हुई भी है Binance की, वो आप मैंने यहाँ पे लिंक कर दी है वीडियो में, आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। आसान है, P2P क्या होता है, जैसे मैं हूँ मेरे पास क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर, जैसे आप हैं क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया होना है कि मैंने सेल का ऑप्शन लगाया होना है, और आपने क्या किया होना है, आपने बाय का ऑप्शन लगाया होना है। तो क्या होना है, मैं अगर डायरेक्टली जाके आपने बाय का ऑप्शन लगाया हुआ है, आप कहते हैं मैं इतनी प्राइस पे बाय करूंगा, इतनी करेंसी मुझे चाहिए, अगर आपको मैं सेल करना चाहता हूं, मैं क्लिक करके आपको सेल कर सकता हूं, और आप क्या करेंगे, मनी एक्सचेंज के थ्रू नहीं गुजरेगी, क्योंकि एक्सचेंज पे इशू होता है ना, आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट नहीं हो रहा होता, वेरीफाई नहीं हो रहा होता, तो ये मसले मसाइल आते हैं, कार्ड वर्क नहीं कर रहा। तो क्या करते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट से सीधा मेरे अकाउंट में पैसे सेंड करते हैं, जैस कैश करना चाहते हैं जैस कैश से कर सकते हैं, ईजी पैसा है, मीज़ान बैंक है, कोई भी बैंक है, आपने मुझे डायरेक्टली सेंड किया। एक्सचेंज सिर्फ क्या करती है, वो दरमियान में आपको जोड़ने का काम करती है, वो वेरीफाई करती है कि आपने पैसे सेंड कर दिए, उसका प्रूफ आपने ये चैट में डालना होता है। और क्या होती है, जब आपने प्रूफ चैट में डाला, वेरीफाई हो गया, तो जो एक्सचेंज होती है उसने आपके लिए कॉइन होल्ड करके रखे होते हैं, जिसके ऊपर आपने कमिटमेंट की होती है मैंने लेने हैं। वो जैसे ही प्रूफ गया, अगले जो सेलर है उसने कहा कि हाँ मेरे पास पेमेंट आ गई है मेरे अकाउंट में, तो एक्सचेंज ने आपको कॉइन्स ट्रांसफ़र कर देने। बहुत ज़्यादा लोग तो इस तरह से जो है ना बाइंग सेलिंग में बहुत पैसा बनाते हैं P2P में, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाइंग सेलिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग करते ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी की। तो दोस्तों, दैट इज़ अनदर सिनारियो, इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। दोस्तों, अब मैं समराइज करने लगा हूँ 5 क्वेश्चन के। नंबर 1 के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी है क्या, आपको पता चल गया डिजिटल करेंसी है जस्ट लाइक अ गोल्ड। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि इज़ इट सेफ एंड सिक्योर और इज़ लीगल। मैंने आपको बता दिया वाई ETF अप्रूव हो चुका है, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 के ऊपर हमारे पे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। आपको एक्सचेंजेस मैंने बताई हैं, Binance है हमारे पास, इंडिया में WazirEX है, और हमारे पास जो है ना Bybit है। पाकिस्तान के लिए Bybit आप इस्तेमाल करें, क्रैकन कोको कॉइन मामा को छोड़ दें, कॉइन DEX इंडिया के लिए है हमारे पास। और नंबर 4 के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करूँ, $100 भी है, $50 भी इन्वेस्ट करें, स्टार्ट करें क्रिप्टो करेंसी में, स्टार्ट जस्ट राइट नाउ। उसके बाद पैसे मैंने निकालने कैसे हैं, हमारे पास जैस कैश में भी पैसे आ सकते हैं, हमारे पास अपने बैंक में भी आ सकते हैं, हमारे पास जो है ना ईजी पैसा भी आ जाता है, किसी भी बैंक में हो सकते हैं, लेकिन होना करना कैसे, आप लोगों ने P2P इस्तेमाल करना है। P2P का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, और वीडियो भी मेरी लिंक की हुई है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या कन्फ्यूजन है क्रिप्टो करेंसी को। एटलीस्ट टेक अ स्टेप नाउ एंड एम्बार्क ऑन दिस न्यू एंडेवर, क्योंकि कुछ टाइम के बाद, 2-4 साल बाद आप लोग ये सोचने पर ज़रूर मजबूर होंगे कि व्हाई आई डिडंट स्टार्ट इट बैक देन। रिग्रेट मत करें, इस ब्रांड न्यू नॉलेज को एम्ब्रेस करें, ब्रांड न्यू इंडस्ट्री को एम्ब्रेस करें, एंड टेक योर एडवांटेज।